गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करेंगे कोडेटा के बारे में। इसका एक लेसन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि जो कोडेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो किस प्रकार से वर्क करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स स्टडी किए जाते हैं। कोडेटा के अंदर आज अपन जो स्टडी करने वाले हैं उस एनिमल का नेम है हटमानिया। अब ये तो हटमानिया जो एनिमल है, यह एनिमल स्पेशली आप लोगों के बीएससी थर्ड ईयर पीडीएसयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग और एमएससी फाइनल ईयर जूलॉजी के अंदर इस एनिमल के बारे में बता रहा है। डिस्क्रिप्शन इसमें बीएससी थर्ड ईयर और एमएससी फाइनल जूलॉजी के अंदर इसका दे रखा है, जिस एनिमल की आज अपन स्टडी करने वाले हैं हटमानिया। ठीक है, एक्चुअल के अंदर जो हटमानिया होता है ये पानी में पाया जाने वाला या फिर ये बोले सी वाटर एनिमल होता है। मुख्य रूप से ये जो एनिमल है ये समुद्र में पाया जाता है, समुद्री जल, इसे सी स्क्वैट भी कहते हैं या फिर समुद्री फुवारा भी कहते हैं। समुद्री फुवारे से क्या मतलब होता है कि इसके शरीर में सिर्फ जो वाटर होता है वो जब बाहर की तरफ आउटलेट होता है, बाहर की तरफ निकलता है, तो वो फुवारे के रूप के अंदर निकलता है। इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर और एक्चुअल में एनिमल कैसा होता है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आप लोग क्लिक करके इसको और देख सकते हैं कि एक्चुअल के अंदर जो हटमानिया होता है वो किस प्रकार का शो होता है। तो आज जो अपन स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी करेंगे एनिमल हटमानिया के बारे में। चलिए, ये जो लेक्चर है एक्चुअल में एक दो पार्ट के अंदर है ना, थोड़ा सा इसमें टेक्निकल एरर आ रहा है तो ये पूरा बन नहीं पा रहा, तो उसको देख लेना आप लोग। हटमानिया एक्चुअल के अंदर ये यूरोकोडेटा या फिर ट्यूनेटा जो क्लास है उसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। अपन सिंपल सी बात से इसको ये बोले कि ये यूरोकोडेटा के अंदर उपस्थित होते हैं, जिस प्रकार से अपन ने देखा है क्लासिफिकेशन में फाइलम हो गया, सब फाइलम हो गया, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर और फैमिली, और लास्ट के अंदर जो अपना नेम है उसके बाद। ठीक है, तो अब ये यूरोकोडेटा क्या होता है, एक्चुअल के अंदर जो फाइलम होता है कोडेटा दो प्रकार से डिवाइड होता है, कोडेटा और नॉन कोडेटा, जिसके अंदर आप लोगों के पास नोटोकोड प्रेजेंट होती है इज कंसीडरिंग कोडेटा। तो अब ये जो कोडेटा है इस कोडेटा को दो क्लास में बांटा जाता है, एक तो होती है प्रोकोडेटा, प्रोटोकोडेटा या प्रोकोडेटा, और सेकंड होती है क्रेनेटा। ठीक है, क्रेनेटा का मतलब होता है क्रेनियम से बना हुआ आवरण, यानी जो आपका स्कल है, ठीक है, यानी वो उपस्थित हो, और इसको बोलते हैं एक्रेनेटा, ए मतलब अपसेंट, क्रेनेटा मतलब आवरण, यानी इसके अंदर आवरण क्या होता है, अनुपस्थित होता है। कहने का मतलब इसके अंदर हेड हो गया, स्कल हो गई, वर्टिब्रेट्स, कोलम हो गए, और जो जबड़े होते हैं वो, ये सब क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, वही क्रेनेटा के अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इट मीन अगर आपको स्टडी करनी है किसकी, हटमानिया की या इससे रिलेटेड किसी भी एनिमल की, जो कि कंसीडर करे गए हैं इसके अंदर फाइलम कोडेटा के अंदर कंसीडर करे गए हैं, कोडेटा के सब फाइलम प्रोटोकोडेटा के अंदर कंसीडर कर रखे हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या ध्यान रखना है अपन को इसके अंदर, कि इसकी जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें भी अप्लाई होंगी, इससे रिलेटेड अपन जो एनिमल की स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी अप्लाई हो जाएंगी, जैसे कि नोटोकोड की उपस्थिति। इट मींस ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स आर इंक्लूड इन कोडेटा फाइलम इज आल्सो प्रेजेंट ऑफ नोटोकोड। ठीक है, तो देखो अब इसके अंदर अपन ने जब इसको आगे डिवाइड करा और आगे डिवाइड करने के बाद अपन ने देखा, तो अपन ने देखा ये किसके अंदर आ रहा है, हेमिकोडेटा, इसको हमने फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लास इज द हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सेफलोकोडेटा। ठीक है, तो ये एनिमल किस में आता है, यूरोकोडेटा, किस में आता है, यूरोकोडेटा। ठीक है, 1981 के अंदर इसका जो नाम है हटमानिया, ये एक्चुअल में डेवलप कैसे हुआ, 1981 के अंदर एक साइंटिस्ट थे हटमैन, ठीक है, जिन्होंने इस एनिमल की क्या करी थी, खोज करी थी। जब इस एनिमल पे फर्दर स्टडीज हुई तो 1910 के अंदर, 1910 के अंदर हार्टमेयर द्वारा इसको क्या नाम दे दिया गया, हटमानिया नाम दे दिया गया। एक्चुअल में इस इज अ मेमोरियल नेम टू रिप्रेजेंट ऑफ हटमानिया। ठीक है, तो हटमानिया जो नेम है ये किसके मेमोरियल नेम किसके ऊपर है, ये हटमैन जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उनके नाम के ऊपर इसको क्या नाम दे दिया गया है, हटमानिया नाम दे दिया गया है।
अब इसके बाद के अंदर इसका आता है क्लासिफिकेशन। आप लोग प्रैक्टिकल के अंदर भी है, आप लोगों के अडवानिया, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से स्टडी कर लीजिएगा। अब इसके क्लासिफिकेशन के अंदर है, तो क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है, सबसे पहले फाइलम, कौन सा फाइलम है इसका, कोडेटा। उसके बाद सब फाइलम कौन सा हो गया इसका, यूरोकोडेटा। वहां पर फाइलम लिखे हो ना, सब फाइलम हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सेफलोकोडेटा। इसके बाद एसिडेशिया, तो क्लास होगी वो कौन सी होगी इसकी, एसिडेशिया। उसके बाद जो सब क्लास है इसके अंदर, जो आप देख रहे हैं वहां पर सब क्लास लिखी हुई है, सब क्लास कौन सी होगी इसकी, एसिडेशिया हो गई, सब क्लास होगी प्लूरोगोना, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर हो गया इसका, ऑर्डर हो गया स्टेलो, देखो इसको आप एस टी ओ एल आई, स्टेलो ड्रो ब्रोंकिया, ठीक है। और जो फैमिली होगी इसकी, फैमिली कौन सी होगी इसकी, पाइलोरी, ठीक है। और इस फैमिली के अंदर एनिमल कौन सा है अपना, हार्ड, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए, ये आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर भी पूछा जाता है। तो ये था इसका जनरल डिस्क्रिप्शन। इसके बाद ये फिक्स्ड होते हैं एक जगह पे, स्थानबद्ध बोलते हैं अपन उसको हिंदी में, एक जगह पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं, और जनरली किसमें प्रेजेंट होते हैं, मराइन वाटर में। मराइन वाटर एक्चुअल में इसको अपन बोल सकते हैं सी वाटर के अंदर, समुद्री जल के अंदर ये उपस्थित होते हैं। सेकंड, सैलो छिंचले पानी के अंदर और डीप वाटर, यानी वाटर के काफी अंदर तक होते हैं ये, 5 से लेकर 10 मीटर तक भी डीप हो सकते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फुट होते हैं, फुट मतलब एक्चुअल में फुट के जैसे डेवलप नहीं होते, नीचे की तरफ एक गोल या अंडाकार संरचना होती है, जो कि क्या होती है, रेत होगी, मिट्टी होगी उसके ऊपर, या फिर कोई चट्टान है समुद्र के अंदर, उस पर आके होते हैं, चिपके जाते हैं। कॉलोनी के अंदर रहते हैं, कॉलोनी में मतलब एक या एक से अधिक जो एनिमल्स होंगे वो कॉलोनी के अंदर पाए जाते हैं, या फिर अपन इसको जब देखेंगे तो अपन 10-12 जो सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनका ग्रुप देख सकते हैं, यानी ये कॉलोनी में पाए जाते हैं। और इसी के साथ फिक्स होते हैं एक जगह पे, स्थानबद्ध होते हैं, ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं। अब जब मूवमेंट नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, जब ये मूवमेंट नहीं कर रहे तो ये भोजन कैसे लेंगे, ठीक है। तो जनरल में वाटर के अंदर जो पैरासाइट्स होते हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको ये वाटर के द्वारा, यानी जो वाटर है उसके अंदर अपने शरीर के अंदर क्या करते हैं, उसको इंटेक्ट करते हैं, और उसके बाद उसका क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, और बाकी वो क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं, जो कि अपन आगे के, अभी जो इसमें आगे के जो टॉपिक है इसका, डाइजेशन सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, सबके बारे में देखेंगे, ठीक है। इसको राइट आंसर,